छत्तीसगढ़ में आज पहले दौर की वोटिंग जारी। सीएम रमन सिंह सहित 190 उम्मीदवार मैदान में, मतदान के लिए 1,00,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 18 सीट नक्सल प्रभावित, 1,00,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। पहले चरण की 18 सीटों पर सीएम रमन सिंह सहित 112 प्रत्याशी मैदान में, 31,00,000 मतदाता आज करेंगे प्रत्याशियों के भाग का फैसला। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को जोर का झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष घनाराम साहू ने छोड़ी पार्टी, अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। मतदान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सामने आया स्टिंग, रमन सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने बोला हमला, कहा अपनों ने ही खोला पोल। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज, 10 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, काशी को देंगे करोड़ों की सौगात, शेयर किया बदलते बनारस की तस्वीर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 131 नामों पर लगी मुहर। कुंभ की वजह से बदलेगा यूपी बोर्ड के एग्जाम का शेड्यूल, नए सिरे से जारी होगा, लखनऊ में बुलाई अफसरों की बैठक, तय होगी रणनीति। वेस्टइंडीज में आखिरी गेंद पर टीम इंडिया ने जीता तीसरा टी20 मैच, धवन और पंत की धुआंधार 50, सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, मिताली राज की 50 से पाकिस्तान को दी 7 विकेट से मात।